बॉलीवुड के वन ऑफ द पॉपुलर विलन रंजीत ने अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसकी शूटिंग के वक्त रंजीत फूट फूट कर रोने लगे थे। जी हाँ, विलन को फूट फूट कर रोना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीदेवी को हंटर से भी मारा था। लेकिन क्या थी वजह एक्ट्रेस श्रीदेवी को हंटर से मारने की और क्यों रोए थे रंजीत, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया, जिस दिन मेरे पिता का निधन हुआ था मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था। मैं बिल्कुल किसी चट्टान की तरह हूँ, मगर जब पिताजी का निधन हुआ मैं बिल्कुल कांप गया। पूरे देश भर से रिश्तेदार आने लगे थे क्योंकि पिताजी घर के सबसे बड़े थे। रंजीत आगे बताते हैं और कहते हैं, मैं फ्लाइट लेकर शूटिंग पर आ गया ताकि सेट पर लगा पैसा बर्बाद न हो। कैमरे के सामने मैं विलन की तरह हंसा और सीन के बाद अपने कमरे में वापस आकर रोने लगा। वहीं श्रीदेवी का जिक्र करते हुए रंजीत ने आगे बताया, शूटिंग के वक्त मैंने श्रीदेवी को हंटर से मारा और सीन शूट होने के बाद अपने कमरे में आकर खूब रोया। शूट के बीच में अपना मुंह लगातार सोडे से धो रहा था, जिससे सेट पर ये किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैं परेशान हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि रंजीत के परिवार वाले उनके हर फिल्म में विलन बनने के किरदार से नाखुश थे, लेकिन रंजीत के समझाने पर उनको पता चला कि अब यही उनका काम है, जिसके बाद उनकी फैमिली ने भी इस बात को समझा। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।